अलबेला अशोक एक ऐसा नाम कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार सिंगरों में से एक मानी जाती है और ऑर्केस्ट्रा का सुपरस्टार भी मानी जाती है क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में पब्लिक के सबसे ज़्यादा भीड़ हो जाती है जब इसकी स्टेज शो होता है तब। मगर अलबेला अशोक कहाँ की रहने वाली है, किस जिला के, कहाँ से आया और सिंगरी लाइन में कैसे प्रवेश किया, इसके फैमिली की स्थिति धनिक है कि गरीब है, ये सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि उसकी इंटरव्यू में आप लोग देखे ही होंगे कि अपने बारे में बताते ही रहते हैं मगर फिर भी सही डिटेल आज हम आपको दिखाने वाले हैं। अलबेला अशोक एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है और अलबेला अशोक एक गरीब इंसान है, ज़्यादा गरीब तो नहीं है मगर फिर भी मीडियम में है, मगर फिर भी गरीबी इंसान थी वो, मगर अभी के हालात कुछ चेंज हो चुकी। भाई में ये चार भाई है, अलबेला अशोक चार भाई है जिनमें से अलबेला अशोक सबसे छोटा है। अलबेला अशोक को बचपन से ही गाना गाने की शौक थी और ये अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे थे उसी वक्त से ही गाना गा रहे थे, मगर पढ़ाई लिखाई इन्होंने 10 तक किया, 10 तक करने के बाद इसकी हालत ख़राब थी, गरीब था तब तो पैसे कमाने के लिए कुछ चाहिए, इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब पैसे कमाने के चक्कर में निकला, तब सोचा कि इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छे थे और स्कूल में इसको दोस्त लोग साथी लोग और टीचर भी बोला कि तू गाना गाएगा तो स्टार बन सकता है क्योंकि तेरी आवाज़ बहुत ही अच्छी सुनने में लगती है, लोग पसंद करेगी। अब गाना गाने के लिए इन्होंने निकल पड़ा, सिंगरी के सपना था कि अब मैं कुछ करेगा ज़िंदगी में, तो गाना गाने के लिए जब निकला तो छोटा सा स्टूडियो में गया मगर वो स्टूडियो में गाना दो चार ऐसे एल्बम निकाला मगर वहाँ पर गाना इसको उतना नहीं चला, पब्लिक भी पसंद भी नहीं किया और पब्लिक के पास पहुँचा भी नहीं, वो स्टूडियो पूरी तरह से इस वक्त ख़त्म ही हो चुकी है। वहाँ से फिर लगा कि शायद मुझको ये स्टूडियो छोड़ना चाहिए, फिर अलबेला अशोक ने सोचा कि शायद अब हमें दूसरा स्टूडियो में जाना चाहिए, कोई अच्छे स्टूडियो में जाना चाहिए ताकि वहाँ पर मैं गाना गाऊँ तो लोग मेरी आवाज़ सुन सके। वहाँ के बाद फिर से गया दूसरा स्टूडियो में गाना रिलीज किया, पब्लिक के पास पहुँचा फिर भी उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, बाद में जाके आरसे म्यूजिक में गया, तब जाके रिया फिल्म्स में गया और रिया फिल्म्स में जाने के बाद इतने अच्छे अच्छे गाना निकालने लगा और इतने अच्छे अच्छे से लोगों के पास पहुँचने लगा कि पूरे लोग सुनने लगे इसकी गीत और ये हो गया फेमस। अलबेला अशोक अश्लील गाना गाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं अश्लील गाना गाऊँ, अश्लील गाना ये समाज के लिए गलत है, मगर पब्लिक में ही धकेल दिया अश्लील गाना में। पहले देशभक्ति वाला गाना गाया कोई लोग नहीं पसंद किया, फिर उसके बाद इन्होंने धार्मिक गाना गाया फिर भी नहीं कोई पसंद किया, और भी ऐसे गाना गाया अच्छे अच्छे गाना कोई लोग पसंद किया ही नहीं, तब उसने सोचा कि अब मुझे कोई नया काम करना चाहिए। कोई 100 गाना इन्होंने अच्छे गाना निकाला मगर अच्छा गाना का कोई लोग पसंद ही नहीं किया और नहीं कोई लोग सुना, फिर तब जाके इन्होंने अश्लील गाना के अपनाया और जैसे ही अश्लील गाना पहले ही निकाला हो गया वो फेमस, जो उसका पहला गाना था वो जाके बेचब फुलवाना चौक पर, ये गाना जब निकाला तो इसको बना दिया जीरो से हीरो। उसके बाद लगातार इसी तरह के गाना निकालते गया, अश्लील से रिलेटेड निकालते गया, लोगों को भी पसंद आते गया यही, और ये हो गया फेमस और आज भोजपुरी सिंगर में से सुपरस्टार सिंगर में से अलबेला अशोक को भी एक मानी जाती है। फेमस होने के बाद, अच्छे बनने के बाद, सुपरस्टार बनने के बावजूद भी अलबेला अशोक ने अच्छा गाना निकाला फिर भी लोग पसंद नहीं किया, देशभक्ति वाला, धार्मिक वाला, देवी सबके भी गीत निकाला मगर फिर भी उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब जाके इन्होंने अश्लील गाना निकाला और अश्लील गाना लोग पसंद करे और आज अलबेला अशोक जिस जगह पर है वहाँ पर बहुत ही ऐसे लोग पहुँचना चाहता है अभी भी। जाते जाते यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी सिंगर अश्लील नहीं होता है बल्कि अश्लील समाज ही बना देते हैं, पब्लिक ही बना देते हैं और बाद में उसी को गलती लगा देती है। बस धन्यवाद।